हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बाय बाय स्टडी एग्ज़ाम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आरआरबी एनटीपीसी, ठीक है, जो आज एग्ज़ाम हुआ है उसी का जो जीके क्वेश्चन इतने ही बनेंगे मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो ठीक है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन कौन सा है। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर है, चंद्रगुप्त वन के बाद उत्तराधिकारी कौन था, यानी चंद्रगुप्त के बाद उनका जो उत्तराधिकारी था वो कौन था उत्तराधिकारी। ठीक है, यहाँ से मैं फुल कर लेता हूँ जो कि आपको वॉइस क्लियर मिल सके। कौन था? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त इसका जो रीज़न सही का रीज़न था वो C3350 से 375 CE था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कोलेरू झील कहाँ पर है? कोलेरू झील कहाँ पर है? तो कोलेरू झील यह आंध्र प्रदेश के कृष्णा ज़िले में स्थित है। कहाँ पर है? कृष्णा ज़िले में स्थित है। इसमें मैंने और भी झील मेंशन की हैं, वो आप आसानी से पढ़ सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद चलते हैं, काली यानी इलेक्ट्रॉन एसिलेटर किसके द्वारा विकसित किया गया, किसके द्वारा विकसित किया गया? यह किया गया था DRDO, ठीक है, DRDO एंड BARC, यानी DRDO और BARC इन दोनों के द्वारा इसे विकसित किया गया था। द प्रोजेक्ट वाज फर्स्ट फाउंडेड बाय PH रॉन एंड मोटेड इन 1985। ठीक है, इसमें काली इतना था, ये देख सकते हैं आप यहाँ से। इसके बाद है कि स्पीड बैंड इंस्ट्रूमेंट यानी हवा की गति किसके द्वारा मापी जाती है? तो हवा की गति एनीमोमीटर के द्वारा मापी जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बोन टू बोन इज कनेक्टेड बाय, हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला संयोजी ऊतक कौन सा है? तो कौन सा होता है? लिगेमेंट्स होता है। इसका जो टेंडन है, टेंडन एक होता है, उसका एक कठोर रेशेदार संयोजी ऊतक है, मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है जो टेंडन, और लेगेमेंट्स हड्डी से हड्डी को जोड़ने वाला ऊतक होता है। अगला क्वेश्चन, नीला थोथा जैसे ब्लू विड्रॉल कहते हैं, किस रासायनिक यौगिक को कहा जाता है? तो कॉपर और सल्फेट, जो नीला थोथा बोलते हैं, तोता कहते हैं कभी लोग, थोथा होता है लेकिन, या तूतिया या फिर कॉपर सल्फेट कार्बनिक यौगिक है, इसका सारा रासायनिक सूत्र है CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट। इसके बाद यहाँ पर काफ़ी इसमें ऐड किए हुए हैं, साधारण नमक का क्या होता है, बेकिंग सोडा का, सभी का यहाँ से दे सकते हैं आप आसानी से, जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 1/2 H2O। अब देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है, जीके के सभी क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। अगर आपको और भी PDF देखनी है तो हमारे प्लेलिस्ट में चले जाएं, वहाँ से हम आसानी से देख सकते हैं सभी प्रकार की वीडियो में, कोई टेंशन नहीं है। जीके मैथ साइंस सभी कुछ दिया गया है, आप वहाँ से डायरेक्टली जाकर देख सकते हैं। जैसे खिलाफत आंदोलन कौन से देश की देन है? तो तुर्की। जो खिलाफत आंदोलन है वो तुर्की देश ने दिया था, मतलब वहाँ से लिया गया है, सॉरी। इसके बाद आठवां क्वेश्चन आपके सामने, एक कमरे से ध्वनि दूसरे कमरे में किस घटना के कारण सुनाई देती है? किसके कारण सुनाई देती है? विवर्तन यानी डिफ्रैक्शन के द्वारा यह सुनाई देती है। विवर्तन जब ध्वनि तरंगें किसी अवरोध से टकराती हैं तो वे अवरोध के किनारों पर मुड़ जाती हैं और अवरोध की ज्यामिति छाया में प्रवेश कर जाती हैं, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सेंट्रल असेंबली बम कांड किसने किया? तो सेंट्रल असेंबली बम कांड किसने किया? तो इसका आंसर है कि 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुक केशव दत्त ने दिल्ली असेंबली में बम फेंके थे। जो बम फेंकना होता है उसे क्या कहते हैं? कि सेंट्रल असेंबली, मतलब असेंबली बम कांड। जैसे बम फेंकना होता है किसी में, अगर जैसे कहीं रैली है उसमें बम फेंक दिया तो उस रैली का नाम आएगा, उसके बम कांड जरूर मिलेगा आपको ना। अगला क्वेश्चन, जो कंप्यूटर के लिए
बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं। नॉन वोलेटाइल मेमोरी काम करती है, नॉन वोलेटाइल जैसे रैम होती है, कंप्यूटर से विद्युत पावर धारा डिस्कनेक्ट करने पर डेटा डिलीट नहीं होता है, डेटा डिलीट नहीं होता है। कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी पावर सोर्स बंद हटाने पर भी डेटा सुरक्षित रहता है। यहाँ से देखिए रोम हार्ड डिस्क सॉलिड स्टेट ड्राइव, यहाँ से देखिए कौन सी वोलेटाइल मेमोरी अस्थाई मेमोरी है, रैम रोम या ईपी रोम, तो आंसर इसका रैम रहेगा। ठीक है, बारहवा क्वेश्चन है मोआत्सु त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, मोआत्सु त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो इसका आंसर है नागालैंड में एओ लोगों द्वारा मनाया जाता है, मनाने जाने वाला त्यौहार है। यह हर साल मई के पहले सप्ताह में मनाया जाता है, जो कि अब आने वाले है आगे। तेरहवा क्वेश्चन है कि NCSM फुल फॉर्म, यानी NCSM की फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स, ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद। विच इज नॉट पार्ट ऑफ UN, UN का पार्ट कौन सा नहीं है, UN का पार्ट कौन सा नहीं है, इसका है काउंसिल, कौन सा है काउंसिल, ये वाला आंसर इसका सही है। इसमें कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन और भी मैंने दे दिए हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं कि सिक्स प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द UN, प्रिंसिपल जो सिद्धांत हैं, जो छः प्रिंसिपल मतलब छः सिद्धांत हैं ऑर्गन ऑफ द यूनियन के, जो UN के सॉरी, वो आके सामने दे सकते हैं। जैसे इसका आंसर भी मैंने काफ़ी एग्जांपल में भी दे दिया हूँ, यहाँ से आप दे सकते हैं। पंद्रहवा क्वेश्चन बर्ड इज कमैत, नामचा बरवा गुरा गुरला मंदहाता कहाँ है, बर्ड इज कैमत, कमैत क्या है कि कैमत ये दे सकते हैं कि हिमालय पर्वत की चोटियों के नाम हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि यह हिमालय की नालागर हिमाल श्रेणी का उच्चतम चोटी है, क्या है चोटी है कैमत, और कहाँ है ये आपको तो पता है हिमालय पर्वत की चोटियों पे। अब 16वां क्वेश्चन आपके सामने है कि हाउ मैनी मेंबर्स इन IMF टिल अक्टूबर 2020, यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य देश कितने हैं, तो इसमें कितने हैं 190 है। इसके बाद 17वां क्वेश्चन व्हाट स्ट्रक्चर डिड अशोक बिल्ड इन मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में सम्राट अशोक द्वारा निर्मित बौद्ध स्मारक कौन सा है, तो इसका आंसर है सांची का स्तूप, इसका है सांची का स्तूप। इसके क्वेश्चन की डिटेल मैंने नीचे दी गई है, आप आसानी से पढ़ लें। 18वां क्वेश्चन अर्थक्वेक भूकंप तरंगों का अध्ययन, भूकंप तरंगों क्या किसमें किया जाता है, सीस में, जो सीस्मोलॉजी होती है स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स, ठीक है, भूकंपों को तरंगों का सिद्धांत है वो सीस्मोलॉजी में पढ़ा जाता है। IDN की फुल फॉर्म क्या हुआ, क्या है इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम। इसमें 20वां क्वेश्चन है राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद में लगाया जाता है, तो इसमें अनुच्छेद 61 के अनुसार, कौन सा 61 के अनुसार। अगला क्वेश्चन है कि कैलाश सत्यार्थी किस क्षेत्र में कार्य करते हैं, समाज सेवी में, किस में करते हैं समाज सेवी, मतलब समाज की, भारत में बाल श्रम के खिलाफ अभियान चलाया, बाल श्रम मतलब बच्चों पर जो काम करवाया जाता है उसे बाल श्रम बोलते हैं, या जो 18 से नीचे होता है, 18 साल से कम होता है वो बाल श्रम में आता है। ठीक है, इसके बाद 22वां क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर है, तो जो कुडनकुलम में है परमाणु ऊर्जा यंत्र सब तमिलनाडु में, और भी हैं काफ़ी, जैसे कनकुलम ये दे सकते हैं यहाँ पर तमिलनाडु में 2000 मेगावाट का। अब देखिए अगला 23वां, गर्भावस्था में भ्रूण बच्चे का पोषण किससे प्राप्त होता है, तो ये अपरा जो प्लेसेंटा होता है ना, प्लेसेंटा द्वारा जो बच्चे को खाने पीने का जो सामान मतलब भरण पोषण होता है उसका गर्भ में, वो अपरा प्लेसेंटा के द्वारा ही होता है।
अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रही हैं, ठीक है, न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश मिलते हैं इसमें। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? 25वां क्वेश्चन है कि 1911 में दुनिया की पहली एयरमेल सेवा किसके बीच शुरू हुई? तो ये हुई थी इलाहाबाद और नैनी, जो फरवरी 1911। इसमें अगला क्वेश्चन है कि मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी की शुरुआत कब हुई थी? तो 1956 से 1957 तक चली थी ये। इसका रिवॉर्ड 15 लाख रुपए था। याद देखिए, 2019 में भारत रत्न किसे मिला है? भारत रत्न किसे मिला है? ये मिला है भूपेन हजारिका। किसे मिला है? हजारिका, भूपेन हजारिका को। 28वां क्वेश्चन है कि PSU पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स कंपनी कौन सी नहीं है? तो इसका आंसर है ICICI जो बैंक होती है वो नहीं है, लेकिन BHEL और NTPC दोनों हैं। अगला क्वेश्चन, 2019 मैन बुकर प्राइज विजेता, यानी जो बुकर प्राइज है ना, वो सबसे किसको मिली थी 2019 में? तो यहाँ पर मिली थी टेस्टामेंट्स को, ठीक है, द टेस्टामेंट्स थी जो कि मार्गरेट अटवुड ने बनाई थी। इसमें क्या था, गर्ल वूमेन अदर बर्डिस बर्नेडाइंस को बारे में इसमें बताया गया था। इसके बाद 30वां क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? कहाँ पर है? ये है स्विट्जरलैंड, ये हेडक्वार्टर है गिनेवा, स्विट्जरलैंड बोलते हैं इसे, वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। अगला है, जैन धर्म के 24th तीर्थंकर कौन है? तो इसके जो 24 में है वो है महावीर जैन, प्लूटो। अब अगला क्वेश्चन आता है एक अंतरिक्ष टाइप, ठीक है, अंतरिक्ष के द्वारा मतलब साइंस का, हाई फाई साइंस, यहाँ से आप सॉरी ये था क्वेश्चन, प्लूटो ग्रह को किसने खोजा था? तो प्लूटो ग्रह, प्लूटो जिसे नोवा ग्रह माना जाता था, जो खगोलविद क्लाइड डब्ल्यू टोम्बा और डब्ल्यू टॉम्फ द्वारा फ्लैगस्टॉप एरिजोना में फरवरी 18, 1930 को लोवेल वैधशाला में खोजा गया, लोवेल वैधशाला में खोजा गया। अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र काठियावाड़ के नाम से जाना जाता है? तो गुजरात का भाग है उसे काठियावाड़ बोलते हैं, जो उत्तरी ओर के कच्छ के रण, आर्द्र भूमि, दक्षिण और पश्चिम की ओर अरब सागर और दक्षिण पश्चिम की ओर कैम्बे की खाड़ी है, ठीक है। इसके बाद 24वां क्वेश्चन मिलता है कि भारत सरकार ने कब नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी नैनो मिशन पर एक मिशन शुरू किया? मई 2007 में। अगला क्वेश्चन है कि IPAB की फुल फॉर्म क्या है? तो IPAB की फुल फॉर्म है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एपेलेट बोर्ड। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उससे प्रॉब्लम जो भी होगी मैं आपको बता दूंगा, डोंट वरी। अर्बन क्रेडिट कौन सी संस्था ग्रामीण विकास से संबंधित नहीं है? अर्बन क्रेडिट नहीं है, जो शहरी विकास ऋण बोलते हैं इसे। अगला क्वेश्चन 37, 2011 में रेलवे इंजीनियर रेजिमेंट को ज्वाइन करने वाली भारतीय सेना में प्रथम महिला जवान, तो सैपर शांति तिग्गा प्रदर्शक सेना के 1969 रेलवे इंजीनियर रेजिमेंट में शामिल हुए थे। जो मैं पहला जवान थी वो थी सैपर शांति तिग्गा। इसका ध्यान रहे, व्हाट इज द हीट बजट? तो हीट बजट क्या होता है कि पृथ्वी द्वारा अवशोषित होने वाली गर्मी और विकिरण के रूप में बाहर निकलने वाली गर्मी के बीच सही संतुलन है, ठीक है, ये रिद्धि शर्मा ने बोला था। दूरी शिफ्ट में 38 क्वेश्चन है, पहले शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी है, अब सेकंड शिफ्ट आ रही है आपके सामने। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है कि वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें, ठीक है।
इसके बाद इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया। इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था। कहाँ का था? मोरक्को का यात्री था। यहाँ से दूसरा क्वेश्चन आता है, कामागाटामारु कांड किससे संबंधित है? कामागाटामारु किससे संबंधित है? जो 23 मई इसका आंसर 1914 है, जो कामागाटामारु था एक कांड, वो भाप शक्ति से चलने वाले एक जापानी समुद्री जहाज था। इस जहाज की हांगकांग में रहने वाले गुजरी सिंह ने खरीदा था। इसके बारे में, जहाज ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा से रिटर्न्स होकर वापस कलकत्ता के बज घाट में पहुंचा तो 27 सितंबर 1914 को अंग्रेजों ने फायरिंग कर दी। इसमें 19 लोगों की मौत मौके पर हो गई। 2014 में भारत सरकार ने इस घटना की याद में 100 रुपये का सिक्का जारी किया, इसलिए इसे कामागाटामारु कहते हैं। अगला क्वेश्चन तीसरा, केंद्र सरकार कितने वस्तुओं की MSP तय करती है? तो भारत सरकार साल में 2 बार 23 कमोडिटीज़ की कीमत निर्धारित करती है। इसका आंसर ये, महिला सेक्स हार्मोन कौन सा है? महिला सेक्स हार्मोन कौन सा होता है? तो इसमें होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, लेकिन पुरुष का जो होता है वो टेस्टोस्टेरोन होता है। इसको तो सभी को याद रहेगा ये। ओरोरा बोरेलियस, ओरोरा बोरेलियस ध्रुवीय ज्योति संबंधित सही कथन, तो इसका आंसर है, उत्तरी अक्षांशों की ध्रुवीय ज्योति को सुमेर ज्योति अरोरा बोरेलियस कहते हैं। इसका आंसर ये सही है। अगला क्वेश्चन है, नई मंजिल योजना किससे संबंधित है? नई मंजिल योजना, तो देश में अल्पसंख्यक समुदाय प्रगति और उनका सशक्तिकरण करना इस योजना की शुरुआत 8 अगस्त 2015 को की गई थी। अगला क्वेश्चन है सातवां, अकबर द्वारा बनाया गया पंचमहल कहाँ पर स्थित है? ये फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में है। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पर है? यह है एस्ट्रोस हिमालयस एंड वेस्टर्न घाट्स में। इसका अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? ये खेल से है, जो अवार्ड्स है 15 लाख रुपए का, ठीक है, अर्जुन अवार्ड विजेता। यहाँ से आप दे सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं यहाँ से, जो अर्जुन अवार्ड मिल चुके हैं इन लोगों को, अब यहाँ से देख सकते हैं आसानी से। मैं इसके बाद इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिएगा यहाँ पर, जैसे खेल प्रशिक्षक कोच को कौन सा राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है? तो द्रोणाचार्य अवार्ड। कौन सा दिया जाता है? द्रोणाचार्य अवार्ड। आजीवन अवार्ड है, जो कि 15 लाख रुपये का मिलता है, ठीक है। इसके बाद इसके में और भी काफ़ी लोगों को दिया गया है, आप इसके नाम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या लिख सकते हैं, बुक को नोट कॉपी पर लिख लें। जब भी मैं इस क्वेश्चन को आपके सामने लाता हूं, तो आप अपना पेन और कॉपी को साथ में रखें। जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, उसको आप कॉपी में नोट करते चलें, ठीक है। जैसे क्या होगा कि आप भूल जाते हैं, तो दोबारा से फिर आसानी से उसे पढ़ कर आगे बढ़ जाते हैं। औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी के पास किसे भेजा था? राजा जयसिंह को भेजा था। इसका कारण क्या था, ये आप दे सकते हैं यहाँ से इसके बारे में। आगे चलते हैं 12वां क्वेश्चन, स्वच्छ भारत से, ये है स्वच्छ भारत से रिलेटेड है। स्वच्छ भारत अभियान के संबंधित सही कथन कौन सा है? स्वच्छ भारत अभियान, जो गंगा वगैरह इसमें सफाई की गई थी, इसमें क्या था कि जो प्रधानमंत्री की स्वच्छता योजना थी, इसमें यह दे सकते हैं यहाँ पर कि 2 अक्टूबर 1900 महात्मा गांधी कितने 1.5 वर्षगांठ 1.6 लाख करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 1.2 करोड़
शौचालयों का निर्माण करके खुले में शौच मुक्त भारत ODF का हासिल करने का लक्ष्य था। ठीक है, अगला क्वेश्चन 13वां के वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लागू किया जाता है? तो अनुच्छेद 360 किस में किया जाता है? 360 में राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल लागू करने का अधिकार है। यहाँ से दे सकते हैं कि 14वां क्वेश्चन है कि राज्यसभा से संबंधित सही कथन कौन सा है? उच्च एंड स्थायी सदन है जिसे भंग नहीं किया जा सकता। इसके बाद 15वां क्वेश्चन है भारतीय दंड संहिता ब्रिटिश काल में किसके द्वारा सन 1800 में लागू हुई थी, 1860 में? तो थॉम बॉसिंगटन मैकाले, थॉम्स बैंक बास बबिंगटन बासिंगटन नहीं बेबिंगटन मैकाले। अगला क्वेश्चन, नमक सत्याग्रह कब हुआ? तो नमक सत्याग्रह कब हुआ था? जो दांडी मार्च, जिसे नमक मार्च दांडी सत्याग्रह के रूप में भी जाना जाता है, जो सन 1930 में महात्मा गांधी के द्वारा अंग्रेज सरकार के नमक के ऊपर कर लगाने के कानून पर किया गया था, जो दांडी यात्रा हुई थी वो नमक यात्रा थी, मान लो नमक के लिए ये लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है 17वां, संसद द्वारा संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? आर्टिकल 360। संविधान संशोधन की प्रक्रिया प्रावधान दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अब तक कितने संविधान संशोधन हो चुके हैं, कमेंट में बताएं। ठीक है, मैंने लिख रखा है। श्रीनगर में शालीमार बाग का निर्माण किसने करवाया था? मुगल ने करवाया था। चेचक के टीके के आविष्कारक कौन है? तो चेचक के टीके के आविष्कारक चिकित्सक एडवर्ड जेनर, ठीक है, जो कि 1796 में इन्होंने इसका आविष्कार किया था। टीके के जो चेचक के टीके होते नहीं है, मेमोरी चिप किससे बने होते हैं? किससे बने होते हैं? सिलिकॉन से। ठीक है, सिलिकॉन। यहाँ से देखें, काली रेगुर मिट्टी की विशेषताओं से गलत कथन। यहाँ पर इतने ऑप्शन दिए गए हैं ये, लेकिन सभी सही ऑप्शन है। ठीक है, आप इसमें बताएं कि जल साधारण की सवाल क्षमता किस मिट्टी में पाई जाती है, इसको मुझे कमेंट सेक्शन में आपको क्वेश्चन को बताना है, अगर आप NTPC का एग्ज़ाम देकर आए हुए हैं तो, और नहीं आए हुए तो अभी आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके थे दादा भाई नौरोजी। कौन था? दादा भाई नौरोजी। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, बैगन की फसल में आनुवांशिक संशोधन क्यों किया गया है? फसल में जो बैगन की फसल है उसमें आनुवांशिक संशोधन क्यों किया गया है? कि जो फसल में कीटाणु से लड़ने की क्षमता एंड पौष्टिकता में वृद्धि हेतु BT बैगन, जो कि बैसिलस थोरियन जीनिसस बैगन, जिसे BT कॉटन के रूप में निर्मित किया गया है। 24वां क्वेश्चन है, कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य है? कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य है? परमानेंट सीट ऑफ यूनियन सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, 25वां क्वेश्चन है कि कौन सा भाग CPU का है? कौन सा भाग CPU का है? इसमें ये बताइए कि इसमें कौन सा भाग CPU का है? इसमें देखिए ये भी है सभी इसमें अंदर होते हैं। सॉरी, ये नहीं है, मेमोरी स्टोरेज यूनिट। इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर है? ये है प्रोग्राम, ये तो हार्डवेयर है ना। 27वां क्वेश्चन है, कौन सा राज्य समुद्री मछली का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है? समुद्री मछली का आंसर है, पहला स्थान गुजरात को छोड़कर तमिलनाडु ने वार्षिक समुद्री मछली उत्पादन में गुजरात को पछाड़कर पहला स्थान, यानी तमिलनाडु ने कर रखा है।
पहले स्थान पर। 28वां क्वेश्चन है कि कौन सी पर्वत श्रृंखला स्विट्जरलैंड में स्थित है, तो एल्प्स। कौन सी है? एल्प पर्वतशाला, जो यूरोप में है, स्विट्जरलैंड में है, सॉरी। 29वां क्वेश्चन है कि भूकंप तरंगे मापने का पैमाना रिएक्टर स्केल कौन सा है? रिएक्टर स्केल, रिएक्टर स्केल होता है जैसे आप भूकंप तरंगों को माप सकते हैं। 20 रेट का क्या अर्थ है? तो बैंक रेट मतलब बैंक दर, वह दर है जिस पर अन्य बैंक आरबीआई के से दीर्घकालिक ऋण ले सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसके बारे में और भी आप जानना चाहते हैं तो इसको पूरा आराम से पढ़ लें स्क्रीनशॉट लेकर। 31वां क्वेश्चन है, पृथ्वी की वायुमंडल परतों का ऊंचाई बढ़ते क्रम में सही क्रम,